वहीं ओडिशा में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने बुधवार 5 जून को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भुवनेश्वर में राजभवन जाकर राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंपा। वहीं पटनायक पिछले 24 साल से राज्य के मुख्यमंत्री थे। वहीं मंगलवार 4 जून को लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए। दोनों राज्यों में मौजूदा सरकारों को सत्ता गंवानी पड़ी। ओडिशा में बीजेपी को 147 में से 78 तो बीजेडी को 51 सीटें मिली है। वहीं राज्य में भाजपा पहली बार पूर्ण बहुमत से अकेले सरकार बनाएगी। वहीं भाजपा ने अब तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की है। पार्टी ने पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। बहुत जल्द भाजपा नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। वहीं ओडिशा में बीजेडी साल 2000 में लगातार सत्ता में रही। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक 24 साल से मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 5 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से 2019 तक वे 5 बार से ओडिशा के सीएम हैं। सिक्किम के पूर्व सीएम पवन चामलिंग 24 साल और 165 दिन के बाद नवीन पटनायक 24 साल और 83 दिन सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले देश के दूसरे नेता हैं।